आज हम जानेंगे सेक्टर 150 में बन रहे समृद्धि लग्जूरिया एवेन्यू प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के आसपास के एरिया के बारे में जान लेते हैं। ये प्रोजेक्ट शहीद भगत सिंह पार्क, जो कि 50 एकड़ पे बना हुआ है, उसके बेहद ही नजदीक है। ये प्रोजेक्ट नोएडा एक्सप्रेसवे और साथ ही में यमुना एक्सप्रेसवे के भी बेहद नजदीक है, और साथ ही में सेक्टर 148 का मेट्रो स्टेशन कुछ ही मिनट की दूरी पे है। अगर आसपास के एरिया की बात करें तो काफी सारे अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रोमिनेंट एस गोल्फ शायर, एटीएस प्रिस्टीन, जो कि रेडी टू मूव इन है, ऑलरेडी बने हुए हैं और उनमें फैमिलीज रह रही हैं। समृद्धि के पास में ही गोदरेज और साथ में एस पार्कवे भी बना हुआ है। हम समृद्धि लग्जूरी एवेन्यू की साइट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और थोड़ा आगे जाके देख लेते हैं कि सोसाइटी का दूर से व्यू कैसा दिखता है। ये प्रोजेक्ट 10 एकड़ के प्लॉट एरिया पे बना हुआ है, जिसमें 12 टावर्स हैं। 12 टावर्स फेज 1 और फेज 2 में डिवाइडेड हैं, जिसमें फेज 1 के टावर्स का काम तकरीबन खत्म होने वाला है और फेज 2 का टावर्स का पोजीशन तकरीबन 2 साल के अंदर में हो जाएगा। फेज 1 के टावर्स का पोजीशन दिसंबर 2021 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और वहीं फेज 2 के टावर्स का 2022 एंड तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब अगर अलग अलग टावर्स की बात करें तो हर किसी टावर की अलग अलग हाइट है, जिसमें कि टावर ए और एल ग्राउंड प्लस 13 स्टोरीज के, टावर बी और के ग्राउंड प्लस 15 स्टोरीज के, टावर सी और जे ग्राउंड प्लस 17 स्टोरीज के, टावर डी एंड आई ग्राउंड प्लस 19 स्टोरीज के, और वहीं पे टावर ई और एच ग्राउंड प्लस 21 स्टोरीज के हैं, और एफ और जी टावर ग्राउंड प्लस 23 फ्लोर्स के। सोसाइटी में पार्किंग की बात करें तो डबल बेसमेंट पार्किंग है और साथ ही में 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब भी है। सोसाइटी में 80% एरिया ओपन है, जिसमें 4.5 एकड़ पे सेंट्रल पार्क है और 3.5 एकड़ जो कि सोसाइटी के चार कोनों पे जगह दी गई है मैक्सिमम, वहां पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई है। सिटी के एंट्री एग्जिट पे वाटर फीचर्स हैं और साथ ही में हर किसी टावर में ड्रॉप ऑफ एरियाज भी बने हुए हैं। सोसाइटी में एम्प्टीज की बात करें तो क्लब के एंट्री पे वाटर फीचर, साथ ही में मेन स्विमिंग पूल जिसमें कि वाटर कैस्केडिंग इफेक्ट, साथ ही में कवर्ड पूल डेक लाउंजर्स के साथ में किड्स पूल विद इंफिनिटी एज, साथ ही में लोटस पॉन्ड बना हुआ मिलेगा। इसके अलावा सेंट्रल पार्क, योगा मेडिटेशन लॉन, पाम गार्डन और साथ ही में किड्स प्ले एरिया जैसे और एमिनिटीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा सोसाइटी में साइकिलिंग ट्रैक और बाकी चार कोनों पे ओपन एयर थिएटर, टेनिस कोर्ट, स्केटिंग रिंग, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच, क्लाइंबिंग वॉल और साथ ही में सिटिंग एरिया भी बनाए गए हैं। सोसाइटी में टोटल तकरीबन 50 के आसपास एमिनिटीज अवेलेबल हैं। अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात की जाए तो सेक्टर 150 की प्राइम लोकेशन में, वो भी एक रीजनेबल प्राइस में और सभी लग्जूरियस एमिनिटीज के साथ में, ये लेने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।